संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो हिमालयन ग्रिफिन है, जिसे लोग बड़ा गिद्ध भी कहते हैं। ये एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है, जो सारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय में ये भारत के अलावा काबुल से भूटान, तुर्किस्तान और तिब्बत तक में पाए जाते हैं। हिमालयन ग्रिफिन एक अनूठा पीला सफेद गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसका ज्यादातर शरीर हल्के पीले सफेद रंग का होता है। इन्हें हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं। इस दौरान ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए मरे जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। इनकी दृष्टि काफी तेज होती है और आसमान में काफी ऊंचाई से मरे हुए जानवरों को देख लेते हैं। नर व मादा मिलकर चूजों को पालते हैं। मादा एक ही अंडा देती है। गिद्ध की ये प्रजाति भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी औसत आयु 20 से 35 वर्षों तक होती है और इनका गर्भकाल 58 दिनों का होता है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। जो भी कारकासेस हैं या वाइल्ड में हो या लाइव स्टॉक के होते हैं उसको ये स्कैवेंजिंग करके खाते हैं, जिसके कारण नेचर हमेशा क्लीन बना रहता है। काफ़ी बड़े होते हैं, लगभग इनका जो हाइट होता है वो 3.5 फीट तक पहुँच जाता है। ये लगातार नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। जो इनका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है जिस पे ये फ्लाई करते हैं, जो मिनिमम अल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर ही उड़ेंगे, ये लगभग 1200 मीटर है। इसके ऊपर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फरवरी मार्च में एग लेइंग प्रारंभ करते हैं और जो इनका क्लच साइज है ये 1 से 2 तक का ही होता है, काफ़ी छोटा होता है। और उसे एक बच्चा निकलता है जो नेस्टिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से नेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 महीने रहने के बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। पटना जू में इन्हें चिकन दिया जाता है खाने में, और ये लगभग 1.5 kg चिकन एक वल्चर को दिया जाता है। और जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पिकुलरिटी है, उनके लेग के पास में हेयर का टफ्ट पाया जाता है और गर्दन के पास भी वाइट कलर का एक पैच होता है। हिमालयन ग्रिफिन का जो IUCN स्टेटस है वो नियरली थ्रेटेंड है, और इनके पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है जो और वल्चर्स में आया है। और जो स्टडीज है, साइंटिफिक स्टडीज, उसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वल्चर में रिसेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन में हुआ है उसका मेन रीजन है जो एनिमल कारकासेस हैं, जो लाइव स्टॉक के कारकासेस हैं, उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डिक्लोफेनाक, जो एज ए पेन किलर यूज किया जाता है, और मरने के बाद भी उनके बॉडी में इसका रेसिड्यूज पाया जाता है, और इसे कंजम्पशन के बाद वल्चर जो इसे खाते हैं तो उनके बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे एक ले करते हैं, उसका सेल काफ़ी कमज़ोर होता है, उसे प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है बर्ड्स का और उनका डेथ होने लगता है। और प्रोलॉन्ग डिक्लोफिनेक को खाने से वल्चर्स हैं उनके लीवर और अनवाइटल ऑर्गन्स में भी डिजेनरेशन होता है, जिसके कारण उनका समय से पहले डेथ हो जाता है। गिद्ध के बाद हम जिस चिड़िया के बारे में बात करेंगे वो चील यानी काइट है। ये बेहद चतुर और फुर्तीले होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग भूरा और आंख के पीछे एक काला धब्बा और बाहर का पंख हल्के काले रंग का होता है।
इनकी चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं, जो सामान्यतः खुले मैदान और मानव बस्तियों के सामने उड़ते हैं। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो ऊपर से ही अपने भोजन की तलाश करते हैं और जब इन्हें अपना भोजन दिख जाता है तो बहुत तेजी से उस पर झपट्टा मारकर लेकर उड़ जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं जो छोटे पक्षी, चूहे और मरे हुए जानवर खाना पसंद करते हैं। ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है। ये 2 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा चील 30 दिन के बाद एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में चील और ब्लैक आइड जो हैं, ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे। इनके रख रखाव के लिए प्राकृतिक वास का आभास दिया गया है और उसी ये वातावरण में रहते हैं। चील जो हैं, इनकी आवाज़ एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है, ची ची करने की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ ही एक विशिष्टता है कि पहचान हो जाता है कि आसपास में चील है, जिसे हम लोग ब्लैक आइड भी कहते हैं। पूरे भारत में पाए जाते हैं, 2300 मीटर के नीचे पाए जाते हैं। ये हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं, भारत के सभी वनों में ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक रैप्टर शिकारी पक्षी हैं, जो मूलतः जो जंगलों में जो बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं, उसका जो बचे हुए मांस होते हैं उसका भक्षण करते हैं। छोटे छोटे छिपकली, चूहे इत्यादि का, इंसेक्ट का भी ये खाना खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इनके आहार के रूप में मांस देते हैं, चिकन देते हैं इनको। इनके जो चोंच होते हैं हल्के पीले होते हैं और पैर भी इनके हल्के पीले रंग के होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो चील के केज का रख रखाव किया जाता है, इनके बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, काफ़ी एक प्राकृतिक रूप से इनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इनके केज में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, छाया भी दिया गया है, पानी की व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन ग्रिफिन और चील दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और यहाँ आने वाले हर दर्शक इनके इंक्लोजर के पास इन्हें देखने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए इंक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।